be it your physical self, be it your emotional self, mental self. Then next we will talk about certain people who have worked in the field of personality. जो चाहे वो यंग हैं, एडलर हैं, आइजिंक हैं, ऑलपोर्ट हैं, बहुत से नाम आप पढ़ोगे पर्सनालिटी के चैप्टर में. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट आइजिंक क्या कहते हैं पर्सनालिटी के लिए. सो आइजिंक ही सेज दैट पर्सनालिटी इज मोर और लेस अ स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स कैरेक्टर, टेम्परामेंट, इंटेलेक्ट एंड फिजिक. सो जैसे हमने पहले देखा, इट इज मोर और लेस अ स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेबिलिटी एस्पेक्ट मोर और लेस, क्योंकि यहां पर आपका हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों इफेक्ट आएंगे. कुछ चीजें हम पर्सनैलिटी की लेके आते हैं, हेरिडिटी राइट, एंड एनवायरमेंट जब हम एक्सपोजर होता है. मान लीजिए आप रूरल बैकग्राउंड में थे और आप जैसे ही किसी सिटी में जाते हैं, आपका चाल ढाल, आपका पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, दैट गोज अप टू दैट मेट्रो सिटी और सिटी लेवल राइट. ठीक है, सो ये कहते हैं मोर और लेस स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स सम ऑफ आपका कैरेक्टर, देन योर टेम्परामेंट इमोशन एस्पेक्ट, योर इंटेलेक्ट आपका इंटेलिजेंस एस्पेक्ट, एंड योर फिजिक. अगेन फिजिक, आप मोटे भी होते हैं, पतले भी होते हैं राइट, सो योर फिजिकल सेल्फ राइट. जैसे कि आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करते हैं, आप किस लिए जाते हैं, सो दैट यू नो यू कैन डेवलप समथिंग इन योर पर्सनालिटी. ओके, देन हम करेंगे कुछ पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात. अब जब पर्सनालिटी की बात आती है, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, लर्निंग है, पर्सनालिटी है, मेमोरी है, डिफरेंट डिफरेंट थियोरिस्ट अपने तरीके से बताते हैं कि हमारा पर्सनालिटी किस तरीके से डेवलप होता है राइट. सो फर्स्ट इज साइको एनालिसिस. साइको एनालिसिस मेजरली फ्रॉयड का काम है. यहाँ बाद में और भी आए साइको एनालिसिस में, जैसे आपके यंग हैं, एडलर हैं, बाकी लोग भी आए, लेकिन मेजरली फ्रॉयड का काम है, जो ये कहते हैं कि हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है इट इज ड्यू टू द अनकॉन्शियस माइंड. अनकॉन्शियस माइंड मतलब, लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट यू नो अ गर्ल वॉज सेक्शुअली अब्यूज्ड, ओके, एंड शी हैज हिडन दैट, शी डिडंट इवन टेल एनीथिंग टू एनीवन. सो उसका पर्सनालिटी में जो चेंजेस आएंगे बिकॉज ऑफ दैट इवेंट व्हिच शी हैज रिप्रेस्ड इन हर यू नो विद इन हर सेल्फ, जो कभी डिस्कस ही नहीं किया, कभी बताया ही नहीं, तो उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे विद एज और आते रहेंगे. सो दैट इज वन थिंग. ये कहते हैं कि जो रिप्रेस्ड डिजायर्स हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, उनकी वजह से जो चेंजेस आते हैं, दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. दैट इज फर्स्ट पर्सपेक्टिव विच इज कॉल्ड साइको एनालिसिस और साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव. देन वी हैव बिहेवियरल पर्सपेक्टिव. बिहेवियरल पर्सपेक्टिव में अगेन आपके आएंगे स्किनर आएंगे, बंदूरा आएंगे, क्लासिकल कंडीशनिंग के जो हैं थियोरिस्ट वो आएंगे. दे से दैट इट इज द रोल ऑफ लर्निंग. कई बार हमारा फॉल्टी लर्निंग है, कई बार हम बच्चे को कुछ गलत करने पर भी शाबाशी दे देते हैं, बहुत अच्छा किया बेटा, पीट के आया क्लास में, बहुत अच्छा किया राइट. वी से दैट. सो व्हेन वी आर डूइंग दिस वी आर मेकिंग सर्टन चेंजेस इन हिज और हर पर्सनालिटी. कहीं ना कहीं ये फॉल्टी लर्निंग है, हमें उस बच्चे को उस जगह पर ये समझाना चाहिए था, नहीं जो आज आपने किया वो सही नहीं था, नेक्स्ट टाइम आपको इसे इम्प्रूव करना है. ऑलराइट, दूसरी चीज आ जाती है व्हेन वी आर डूइंग समथिंग गुड. जैसे बच्चे ने परफॉर्म अच्छा किया एंड वी जस्ट पैट ऑन द बैक एंड वी से वाओ वेल डन राइट, अगेन उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उसी पैट ऑन द बैक से जो चेंजेस आएंगे, दैट इज द बिहेवियरल पर्सपेक्टिव. दैट इज लर्निंग की वजह से, आपका जो कंडीशनिंग की वजह से जो इफेक्ट आपकी पर्सनालिटी में आते हैं, दोज आर द बिहेवियरल पर्सपेक्टिव्स. इसी तरीके से और भी बहुत से पर्सपेक्टिव हैं, जैसे आपका ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, जो कहता है कि इट इज द रोल ऑफ पर्सन्स कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस. हमारी लाइफ में अपने आप के लिए, हमारी सेल्फ के ऊपर बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं दैट लीड्स टू सर्टन चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन. सो वो हम कहेंगे ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव. इसी तरीके से बाकी और भी हैं. सो वी वुड नॉट गो इन डिटेल्स अबाउट द पर्सपेक्टिव एंड स्ट्रेट अवे लेट्स गो टू द डिविजन ऑफ माइंड. अब बात आती है आपका पर्सोना की. हम शुरू करते हैं साइको एनालिसिस से. साइको एनालिसिस कहता है कि हमारा पर्सनालिटी मेकअप है बिकॉज ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड. लेकिन ये अनकॉन्शियस माइंड है क्या? व्हाट डू वी नो अबाउट अनकॉन्शियस माइंड? और भी कोई तरीके का माइंड होता है? यस, वी हैव डिफरेंट डिविजन्स ऑफ माइंड. देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइंड व्हेन वी टॉक अबाउट साइको एनालिसिस. फर्स्ट इज
कॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड विच वी आर अवेयर ऑफ. अभी हम क्लास में बैठे हैं, वी नो दैट यू नो वॉट इज हैपनिंग अराउंड अस, सो दिस इज कॉन्शियस माइंड, राइट. देन कम्स योर प्री कॉन्शियस माइंड. थोड़ा नीचे और जाते हैं तो दैट इज प्री कॉन्शियस माइंड. प्री कॉन्शियस माइंड वो है जो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल बट नॉट रेडिली. इन्फॉर्मेशन तो है हमारे पास, कहीं ना कहीं दबी हुई है. जब हम जरूरत पड़ती है, जब स्ट्रेस देते हैं तो थोड़ा सा हम याद कर पाते हैं. दैट इज प्री कॉन्शियस माइंड. अब जो ये बात आई थी यहाँ अनकॉन्शियस माइंड की, अब आते हैं उस अनकॉन्शियस माइंड पे. अनकॉन्शियस माइंड जो कि हिडन है, जो कि रिप्रेस्ड है, जहां आपके डिजायर्स, फीलिंग्स, कुछ हैपनिंग्स आपने दबाकर रख दी है, दैट इज बेसिकली योर अनकॉन्शियस माइंड, राइट. सो अनकॉन्शियस माइंड से अब कैसे रिट्रीव करेंगे? अनकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जहां से रेडिली इंफॉर्मेशन ऊपर नहीं आती है कॉन्शियस लेवल पर. वो आपकी कब आती है? ड्रीम्स में. यू माइट गेट सम ड्रीम्स, नाइटमेयर्स मिलते हैं. कई बार आपको स्लिप ऑफ टंग होती है, राइट. कुछ कहना कुछ और चाहते हैं, निकल कुछ और जाता है, बिकॉज दोज डिजायर्स आर हिडन. वो दो या तीन तरीके हैं जिनकी वजह से वो बाहर आते हैं. सो डिविजन माइंड क्या हो जाएगा? आपका कॉन्शियस माइंड जो आपके पास अभी है, जिसके बारे में आपको पता है. प्री कॉन्शियस माइंड, उसे थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे, जिसमें कि है तो सही लेकिन रिट्रीव तभी होगा जब आपको जरूरत पड़ेगी. तीसरा माइंड कौन सा आ जाता है? कंप्लीटली अनकॉन्शियस माइंड. और साइको एनालिसिस कहता है दिस हैज अ मेजर रोल टू प्ले इन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. ऑलराइट, अब इसी के ऊपर हमने डिविजन ऑफ पर्सनालिटी भी कर दी. व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड, उसी के आधार पर हमने पर्सनालिटी का भी डिविजन किया है. पर्सनालिटी में कहते हैं कि हमारी, अगेन जिस तरीके से तीन तरीके के हमारी डिविजन ऑफ माइंड था, कौन कौन सा? कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड प्री कॉन्शियस. उसी तरीके से तीन हमारा डिविजन ऑफ पर्सनालिटी भी आ जाता है. पहला है इड, दूसरा है ईगो और तीसरा है सुपर ईगो. वर्ड सुनने में तो अजीब से लग रहे हैं, आईडी इड, ईजीओ ईगो एंड सुपर ईगो, पर है क्या? पहला है इड. इड इज द प्लेजर प्रिंसिपल. आईडी इड इज द प्लेजर प्रिंसिपल. प्लेजर प्रिंसिपल क्या कहता है? इट फील्स गुड, जस्ट डू इट. आप बॉयज हैं, बाइक पे जाते हैं एंड यू फील लाइक रेसिंग योर बाइक, फुल स्पीड पे चला लो, यस 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 डू इट, राइट. दिस इज प्लेजर प्रिंसिपल, दिस इज इट. मजा आ रहा है उसमें करने में, राइट. सो वी जस्ट टेक द लास्ट गियर में डाल के और हम फुल स्पीड पे चलते हैं. वी आर नॉट इवन बॉदर्ड क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, सामने वाले को हार्म हो जाएगा या हमें भी हार्म हो जाएगा, वी आर नॉट बॉदर्ड. देन कम्स योर ईगो. ईगो इज द रियालिटी प्रिंसिपल. रियालिटी क्या है कि आप बाइक चला रहे हो, सड़क पे चला रहे हो, दिस इज द रियालिटी. एक्सीडेंट हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, राइट. देन कम्स योर सुपर ईगो. सुपर ईगो मोरालिटी प्रिंसिपल आ जाता है. चाहे वो मोरालिटी प्रिंसिपल कहीं से भी आए, बी इट द मोरालिटी प्रिंसिपल फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ अ पुलिस ऑफिशियल, कि आपको ये डर रहेगा कि तेज चलाएंगे तो पकड़े जाएंगे और हमारा लाइसेंस ले लिया जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं कि हमारे पेरेंट्स दे आर वेटिंग एट होम, राइट. सो दैट इज मोरालिटी प्रिंसिपल, कि हम अपने मोरल्स को ध्यान में रखते हुए किसी चीज को आगे काम करें. लेकिन नॉर्मली होता क्या है, हमारा जैसे आपने कार्टून्स में देखा होगा, कार्टून्स में एक बच्चा सो रहा है, सुबह सुबह का टाइम है और उसे लगता है कि नहीं आप स्कूल नहीं जाना है, राइट. बच्चा इज द रियलिटी, ठीक है. अब ये जब कहता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना, सो स्कूल नहीं जाना का मतलब क्या हुआ? वो प्लेजर प्रिंसिपल, कहीं ना कहीं मस्ती करने का मन कर रहा है कि नहीं जाके मैं कहीं कार्टून्स देख के आता हूँ, कहीं कोई मूवी देख के आता हूँ. सो दैट इज अ प्लेजर प्रिंसिपल. यहाँ क्या कर रहा है आपको, इट जो है प्लेजर प्रिंसिपल, आपको फोर्स कर रहा है रियलिटी को कि सो जा, थोड़ी देर बाद में घूमने चलेंगे, क्या करना है स्कूल के लिए. इतनी ही देर में एक मोरालिटी प्रिंसिपल का पॉपअप आते हैं ना साइड में लिखे हुए, गोल गोल ऐसे बने हुए, एंड दे से दैट नो कि नहीं, यू शुड, लेट्स गो फॉर पार्टी या लेट्स गो फॉर दिस. इधर से एक और पॉपअप बन के आता है, वो कहता है कि नहीं, हाउ कैन यू डू दिस, आपका स्कूल है. गिल्ट फीलिंग नहीं आएगी, कैसे आपकी कॉन्शियस अलाउ करती है, राइट. सो दैट इज मोरालिटी प्रिंसिपल. तो नॉर्मली जो रियलिटी है या फिर जो ईगो प्रिंसिपल है, वो इन दोनों के बीच में सैंडविच होता है, इट के और सुपर ईगो के. सो जहां जिसका प्रेशर ज्यादा हुआ, उसी तरीके से पर्सनालिटी मोल्ड हो जाती है, ओके. सो अगर हम बात करें ईगो की, जो रियलिटी प्रिंसिपल है, तो रियलिटी इज जस्ट दिस. आप ये छोटा सा ऊपर देख पाएंगे, इट इज जस्ट दिस रियलिटी प्रिंसिपल. सुपर ईगो
तीनों, अच्छा ये कॉन्शियस माइंड है आपका, इस लेयर के ऊपर कॉन्शियस माइंड है, देन बीच में प्री कॉन्शियस माइंड है, और सबसे नीचे सबमर्ज जो है अनकॉन्शियस हिडन माइंड। सो आपका जो प्लेजर प्रिंसिपल है इट इज बेसिकली दिस, जो आपको प्रोसेस में दिख रहा है प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में, ये जो इड है या फिर प्लेजर प्रिंसिपल है दैट कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम। ईगो तो, ईगो की अगर हम रियलिटी प्रिंसिपल की बात करें तो वो तो टिप ऑफ आइसबर्ग वाली बात है। ये अगर हम आइसबर्ग में दिखाते हैं आपको कि टॉप लेयर पे दिख रहा है ईगो रियलिटी प्रिंसिपल, आपको नहीं पता इड जो प्लेजर प्रिंसिपल है अंदर ही अंदर आप क्या डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, कितना फोर्स कर पाती है सुपर ईगो की नहीं ये गलत है मत करो। क्योंकि सुपर ईगो तीनों लेवल्स पर है, चाहे वो कॉन्शियस माइंड है, चाहे वो अनकॉन्शियस माइंड है, चाहे वो प्री कॉन्शियस माइंड है। सो दैट इज हाउ वी डेवलप द पर्सनैलिटी। ओके, सो नाउ व्हेन वी नो दैट यू नो देयर आर डिफरेंट विजन्स ऑफ माइंड, कि हमारे पास कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस तरीके का माइंड है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी पर्सनैलिटी भी है, पर्सनैलिटी